ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ सर्टिफाइड थिकल हैकिंग। आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं मॉड्यूल हम लोग का जो थर्ड है, स्कैनिंग नेटवर्क्स। ओके सो जैसे कि हम लोगों ने पहले कुछ कुछ क्लासेस क्लियर कर चुके हैं, जैसे कि कुछ कुछ वेबिनार्स हम लोगों ने होस्ट किए थे सोशल इंजीनियरिंग टूल किट पे, सिस्टम हैकिंग पे। आई होप सबने वो वेबिनार अटेंड किया होगा। हम लोग का जो बेसिक्स, जो हम लोग के मॉड्यूल्स थे, जैसे कि हम लोग का इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन का था, देन फुटप्रिंटिंग, रिकॉग्निशंस, इंट्रोडक्शन, फुटप्रिंटिंग, रिकॉग्निशंस, ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। सिस्टम हैकिंग और सोशल इंजीनियरिंग के भी हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल वेबिनार होस्ट किया हुआ था। आई होप सबने वो अटेंड किया होगा। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग अपने थर्ड मॉड्यूल पे जाएंगे जो है स्कैनिंग नेटवर्क्स, और फोर्थ मॉड्यूल पे जो है एनुमरेशन। ये दोनों हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। स्कैनिंग नेटवर्क्स क्या होता है? सबसे पहले तो कोई भी एक इथिकल हैकिंग, एक साइबर सिक्योरिटी एक्टिविटी जब भी किया जाता है, तो कुछ ना कुछ उसके बारे में जानकारी गैदर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप किसी भी आदमी से, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से आप ऐसे ही कोई भी बात वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपको उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम ना हो। आप किसी से भी ऐसी दोस्ती नहीं कर सकते जब तक आपको उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम ना हो। जस्ट लाइक दैट, किसी भी नेटवर्क पे कोई भी हैकिंग एक्टिविटी करने से पहले आपको उस नेटवर्क के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे जानते हैं? तो फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस में हम लोगों ने इसके कुछ कुछ पॉइंट्स देखे थे। अब वही हम लोग स्कैनिंग नेटवर्क्स में देखने वाले हैं कि नेटवर्क स्कैनिंग क्या होता है। तो जब भी किसी भी नेटवर्क पे कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करने वाले होते हैं, उससे पहले स्कैनिंग एक्टिविटी हम लोग करते हैं। ओके, स्कैनिंग में क्या होता है? सपोज कि हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को स्कैन करना चाहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सपोज कोई वेबसाइट का एग्जाम्पल लेते हैं हम, लेट अस टेक, ये एक वेबसाइट है ओला कैब्स का, ये ब्लॉग वेबसाइट है। ओके, इस वेबसाइट को हम लोग स्कैन करना चाहते हैं, ठीक है? या तो इस वेबसाइट पे हम फ्यूचर में कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम उस वेबसाइट को स्कैन करेंगे। जो भी इस पर्टिकुलर डोमेन, ये जो यूआरएल है, ये जो लिंक है, इसका जो भी आईपी एड्रेस होगा उसको हम स्कैन करेंगे। तब जाके उसके बारे में हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम होगा कि ये इसका आईपी एड्रेस है, ये इसका पोर्ट नंबर है, इतने इतने पोर्ट्स खाली हैं, इतने इतने पोर्ट्स क्लोज हैं, इतने इतने पोर्ट्स ओपन हैं। ओके, तो ये सारे जानकारी को कैसे हम लोग गैदर करेंगे? स्कैनिंग फेज में। तो स्कैनिंग फेज में हमको मैक्सिमम डेटा जो है मिल जाता है, किसी भी वेबसाइट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाता है। देन जाके हम उस पर आगे के जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि उसके वीकनेसेस फाइंड करना, वल्नरेबिलिटीज पता लगाना, लूपहोल्स पता लगाना, ये सारे के सारे चीज़ें जो है हम परफॉर्म करते हैं। ओके, तो हम आज के क्लास में स्कैनिंग के बारे में जानेंगे कि कितने कितने टाइप के स्कैनिंग होते हैं, कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं, और एक टूल जो है वो भी हम यूज़ करने वाले हैं। एक नहीं, दो टूल यूज़ करने वाले हैं। पहला है एनमैप, दूसरा है एचपिंग। तो ये दो टूल्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो पहले हम जानेंगे नेटवर्क स्कैनिंग के कॉन्सेप्ट, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं नेटवर्क स्कैनिंग में। देन हम देखेंगे कि क्या क्या स्कैनिंग टूल्स हम लोग के पास मौजूद हैं। अलग अलग टेक्निक्स के बारे में जानेंगे हम लोग। बैनर ग्रैबिंग क्या होता है वो जानेंगे हम लोग, और एक नेटवर्क का डायग्राम कैसे बनाते हैं वो जानेंगे हम लोग। ओके, और पेन टेस्टिंग तो हर एक मॉड्यूल के एंड में होता ही है। पेन टेस्टिंग मतलब क्या होता है? जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, जानकारी इकट्ठा किया, उसका एक रिपोर्ट बना के तैयार रखना, वो होता है पेन टेस्टिंग। ओके, नेटवर्क को हर एक एंगल से नुकसान पहुंचा के चेक करना, क्या क्या खामियां हैं और क्या क्या खामियों को हम सुधार सकते हैं, वो आता है पेन टेस्टिंग। तो ये चीज़ हम लोग लास्ट में देखेंगे। ओके, आई होप सबको मेरी आवाज़ मिल रही होगी। एवरीवन एबल टू सी दी स्क्रीन एंड हियर मी? चैट में प्लीज़ कंफर्म कीजिए कि मेरी आवाज़ क्लियर है और जो स्क्रीन मैंने शेयर किया वो विजिबल है। ओके, ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक के साथ। तो आज के टॉपिक में हम लोग क्लियर करने वाले हैं स्कैनिंग क्या होता है। ओके,
और एक टूल का भी प्रैक्टिकल करने वाले हैं, सॉरी दो टूल का, nmap और hping 3। तो पहले तो हम जान लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या क्या है नेटवर्क स्कैनिंग में। नेटवर्क स्कैनिंग होता क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कोई भी वेबसाइट, कोई भी एंड्रॉयड ऐप हो, चाहे वो iOS का ऐप हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो, वो एक सर्वर पे होस्टेड रहता है। ये हम सबको पता है, कोई भी वेबसाइट, कोई भी एप्लीकेशन एक सर्वर पे होस्टेड रहता है। वो सर्वर हो सकता है शेयर्ड होस्टिंग, हम में से बहुत से लोगों ने यही नाम सुने होंगे ऑब्वियसली, शेयर्ड होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर, यही तीन नाम अक्सर हम सुनते हैं। वैसे भी ये तीन कैटेगरी हैं, आखिरकार ये हैं तो सर्वर ही। तो कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को स्कैन करने के टाइम वो एक पर्टिकुलर सर्वर पे होस्टेड रहता है। तो उस सर्वर पे, उस सर्वर के बेसिक डिटेल्स क्या क्या हैं, कितने होस्ट्स एक्टिव हैं, क्या क्या पोर्ट्स हैं वहाँ पे, कितने पोर्ट्स बंद हैं, कितने पोर्ट्स क्लोज हैं, क्या क्या सर्विसेज रन कर रहे हैं, ये सारे के सारे जानकारी हम लोग नेटवर्क स्कैनिंग के दौरान इकट्ठा करते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होने के बाद ही हम लोग इंटेलिजेंस गैदरिंग करके उस नेटवर्क में उसकी खामियों का पता लगा सकते हैं। बिना उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के हम उसके खामियों का पता लगा ही नहीं सकते। इसलिए स्कैनिंग बहुत ही ज़रूरी है। कोई बेवकूफ़ी होगा जो बिना स्कैनिंग के किसी वेबसाइट पे अटैक कर दे, क्योंकि उसका आउटकम क्या होगा, क्या पकड़े जाएंगे, क्या आपको जेल होगा, क्या आपने कुछ इलीगल एक्टिविटी किया, ये सारे के सारे चीज़ें आप फेस कर सकते हैं। इसलिए स्कैनिंग बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो स्कैनिंग कैसे होता है? तो यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पे ये अटैकर है और यहाँ पे ये नेटवर्क है जिसको हम लोग स्कैन करना चाहते हैं। तो होता अक्सर क्या है कि हम लोग अलग अलग टूल्स यूज़ करते हैं। वो अलग अलग टूल्स से हम लोग पैकेट्स को नेटवर्क पे भेजते हैं। पैकेट्स क्या होता है? जब भी हम कोई भी चीज़ परफॉर्म करते हैं इंटरनेट पे, चाहे वो हम व्हाट्सएप यूज़ करें, चाहे वो हम फेसबुक यूज़ करें, चाहे वो हम कोई भी एप्लीकेशन ऑनलाइन हम यूज़ कर रहे हैं, हम लोग का जो डेटा सर्वर तक जाता है वो पैकेट्स के फॉर्म में जाता है। ओके, 12 बाइट्स का पैकेट, 32 बाइट्स का पैकेट, 120 बाइट्स का पैकेट, ऐसे ऐसे पैकेट्स के फॉर्म में डाटा हम लोग का अपलोड होता है सर्वर पे। एंड देन वहाँ से हमको रिस्पॉन्स आता है। जैसा हम लोग इन्फॉर्मेशन मांगेंगे वैसा हमको सर्वर से मिलेगा। यूट्यूब पे हम लोग सर्च करेंगे वीडियोज़ तो हम लोग को वीडियोज़ मिलेगा। व्हाट्सएप पे हम सर्च मैसेज करेंगे अपने फ्रेंड को तो उसको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा। व्हाट्सएप से अगर कोई आपका फ्रेंड रिप्लाई करेगा तो आपको रिप्लाई आएगा। होता क्या है, इनके बैकएंड में ये पैकेट्स भेजते हैं अपने सर्वर पे, इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर मौजूद रहता है। तो हम क्या, अटैकर क्या करता है नेटवर्क स्कैनिंग में, वो ऐसे ही पैकेट्स को नेटवर्क पे भेजता है, नेटवर्क उस पैकेट्स का रिस्पांस देता है। तो उस पैकेट्स का जैसा रिक्वेस्ट हुआ, अगर मान लीजिए अटैकर भेजता है रिक्वेस्ट कि मेरे को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना है, सारा चीज़ तो नहीं बताएगा बट उसका नाम जानना है कि क्या आप, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, तो नेटवर्क जो है उस हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन वापस देगा। क्योंकि नेटवर्क को पता नहीं होता कि ये एक सॉफ्टवेयर है कि ये एक एक्चुअल यूज़र है, ये पता लगाना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए अटैकर्स अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, TCP/IP कनेक्शन का यूज़ करके ये इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। उनमें से एक बहुत ही पॉपुलर टूल है, वो है nmap। तो nmap का हम लोग आज देखने वाले हैं कैसे काम करता है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? डिस्कवरिंग लाइव होस्ट, आईपी एड्रेस पता लगाना, कितने पोर्ट ओपन है पता लगाना, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पता लगाना, क्या आर्किटेक्चर सिस्टम का ये पता लगाना, कितने होस्ट रन कर रहे हैं ये पता लगाना, और क्या क्या खामियां हैं उस सर्वर में ये पता लगाना। ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि हम लोग स्कैनिंग क्यों करते हैं। हम लोग स्कैनिंग करते हैं इन सारे चीज़ों को पता लगाने के लिए। ओके, कोई भी कम्युनिकेशन नेटवर्क पे जो होता है, चाहे वो हम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करें, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, चाहे वो एंड्रॉयड ऐप हो, चाहे वो विंडोज़ का ऐप हो, चाहे वो काली लिनक्स का सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कोई वेबसाइट ही क्यों ना हो, कभी भी कम्युनिकेशन एक क्लाइंट नेटवर्क से सर्वर नेटवर्क पे जाता है तो वो थ्री वे हैंडशेक होके जाता है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे थ्री वे हैंडशेक होके कोई भी कम्युनिकेशन होता है। अब थ्री वे हैंडशेक क्या होता है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मैं अपने लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ और मेरा सर्वर कहीं दूसरे लोकेशन पे मौजूद है। मेरे सर्वर पे मैं अपने वीडियोस अपलोड करता हूँ। ओके, मैं अपने सर्वर पे अपने वीडियोस अपलोड करता हूँ। मेरा वो सर्वर तो किसी और कंपनी ने मेरे को दिया है जिसको मैं ऑनलाइन एक्सेस कर सकता हूँ, जस्ट लाइक गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव गूगल का प्रॉपर्टी है, उस पर हम लॉग इन करके अपने वीडियोज को अपलोड कर सकते हैं। वो हम कैसे अपलोड करते हैं? गूगल ड्राइव पे गए, वीडियो सेलेक्ट किया, अपलोड कर दिया, हो गया।
ये तो रहा बात फ्रंट एंड का जो हमको दिखता है, बैक एंड में क्या होता है? तो बैक एंड में ऐसे होता है, थ्री वे हैंडशेक। बिल यहां पे जो है वो मैं हूं और शीरा जो है वो गूगल का सर्वर है। मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, गूगल का वो सर्वर है, गूगल ड्राइव का, जहां मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ। थ्री वे हैंडशेक में क्या होता है, मैं सर्वर को, गूगल के सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजूंगा कि मेरे को आपके पोर्ट नंबर 21 से कनेक्ट होना है। हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं कि गूगल ड्राइव जो है वो पोर्ट नंबर 21 पे ही एक्सेस देता है। गूगल में वीडियोज अपलोड करने के लिए हम लोग पोर्ट नंबर 21 का यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं गूगल ड्राइव ब्राउजर में खोलता हूँ लिंक डाल के, मुझे तो दिखता है लोडिंग लोडिंग और वो खुल जाता है। बट एक्चुअल बैकएंड में क्या होता है, वो मेरा लैपटॉप जो है, मेरा जो सर्वर है, मैं जिस भी कंपनी का इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, फिलहाल जियो फाइबर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो जियो फाइबर के जो कनेक्शन एस्टेब्लिश जब होता है, तो वो गूगल के सर्वर तक पहुँचने के लिए एक ट्रेस राउट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मेरे आईपी एड्रेस से गूगल के आईपी एड्रेस तक पहुँचने के लिए जो भी स्टेप्स होता है वो फॉलो करता है और वहाँ पे ऐसे भेजता है कनेक्शन कि आई वुड लाइक टू टॉक विद यू ऑन पोर्ट नंबर 21। ये एग्जाम्पल है। तो मेरा सिस्टम गूगल के सर्वर्स को रिक्वेस्ट भेजता है कि मैं आपके पोर्ट नंबर 21 से कनेक्ट होना चाहता हूँ, क्या आप ओपन है? गूगल वहाँ से रिक्वेस्ट भेजता है, अगर वो ओपन हुआ तो रिक्वेस्ट भेजेगा येस आई एम ओपन, लेट्स टॉक। लेट्स टॉक मतलब कि हाँ मैं ओपन हूँ, आप अपना एक्टिविटी जो है परफॉर्म कर सकते हैं। मैं वहाँ से रिस्पॉन्स भेजूंगा ओके थैंक्स, यानी मुझे कन्फर्मेशन मिल गया, मैं क्लाइंट टू वो सर्वर है, मुझे कन्फर्मेशन मिल गया कि आप ओपन हो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा कि मैं उसमें अपना वीडियो अपलोड कर दूंगा। मेरा वीडियो अपलोड हो गया, अपलोड होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली टैब को बंद कर देते हैं या तो लॉगआउट कर देते हैं। बट एक्चुअल बैकएंड में होता क्या है, वहाँ से एक रिक्वेस्ट जाता है सर्वर्स को, आई एम डन विद द ट्रांसफर, मेरा काम हो गया। सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वापस भेजता है, ओके आपका काम हो गया, मैं रिक्वेस्ट को अब टर्मिनेट कर दे रहा हूँ, यानी कि अब ये जो कनेक्शन है उसको बंद कर दे रहा हूँ ताकि सिक्योरिटी इशू ना हो, डेटा का लॉस ना हो। जैसे मैंने बोला कि मेरा काम हो गया, वैसे सर्वर उस रिक्वेस्ट को टर्मिनेट कर देगा, उस कनेक्शन को बंद कर देगा और फिर मैं अपना रिस्पॉन्स भेजूंगा, ठीक है मेरा काम हो गया थैंक्स। ये होता है थ्री वे हैंडशेक। कभी भी टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन जो होता है, जो कि मेजोरिटी ऑफ एप्लीकेशन में होता है, उसमें ये कम्युनिकेशन जो है वो ऐसे ही होता है। इसको कहते हैं हम लोग थ्री वे हैंडशेक। किसी भी सर्वर से कनेक्ट होने के लिए ये जो स्टेप है, ये जो प्रोसेस है, ये फॉलो करना होता है। ओके सबको क्लियर है ये थ्री वे हैंडशेक? प्लीज चैट में मुझे कंफर्म कीजिए सबको थ्री वे हैंडशेक क्लियर है। बहुत से लोगों का अभी तक कैमरा ऑन है, प्लीज आप कैमरा अपना बंद कर दीजिए, कैमरा के कारण नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियो कैमरास को ऑफ कर दीजिए। लगभग सभी यूजर्स के कैमराज ऑन है, आप अपना कैमरा प्लीज ऑफ कर दीजिए वरना नेटवर्क में इश्यूज हो सकते हैं। ओके तो सबको लगभग क्लियर है। कुछ कुछ यूजर्स का कहना है कि अगर पोर्ट वो ओपन नहीं हुआ तो क्या करेंगे। ऐसा मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके अगर आप गूगल का वो ड्राइव फीचर यूज़ कर रहे हो तो गूगल का तो पोर्ट ओपन ही होगा। अगर कोई कंपनी वो सर्विस आपको दे रही है तो ऑब्वियसली वो पोर्ट अपना ओपन ही रखेगी, जिसके लिए आपसे वो चार्ज कर रही है, पैसा ले रही है आपसे। तो ये बस एग्जांपल दिया मैंने। ओके आई होप सबको क्लियर है। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक अपना जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं। तो ये हो गया थ्री वे हैंडशेक, अब आगे बढ़ते हैं इसके। ओके
अब यहाँ पे बात आती है वो कस्टम पैकेट्स कैसे क्रिएट करते हैं। वेल, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, स्कैनिंग में एक पैकेट बनाते हैं, उस पैकेट को हम नेटवर्क पे भेजते हैं। उस नेटवर्क, उस सर्वर को लगता है कि ये एक एक्चुअल पैकेट है जो कि एक ओरिजिनल यूजर ने भेजा है, और वो उसका उस हिसाब से जवाब दे देता है। ओके, तो उस पैकेट को बनाने के लिए अलग अलग टूल्स आते हैं, जैसे कि नेट स्कैन टूल्स प्रो, ऑस्ट्रीनेटो, वैन किलर, पैकेट लैंडफोर्ज, ये सारे के सारे पैकेट्स क्राफ्टिंग टूल्स होते हैं। ओके, इनमें से सबसे पॉपुलर है कोलासॉफ्ट पैकेट बिल्डर। ओके, कोलासॉफ्ट पैकेट बिल्डर के हेल्प से हम कस्टम नेटवर्क पैकेट बना के नेटवर्क को सेंड कर सकते हैं और ऑडिट कर सकते हैं। ओके, अटैकर्स यूज करते हैं इन सारे टूल्स का फेक पैकेट्स बनाने के लिए, ताकि वो फायरवॉल को बाईपास कर सकें और आईडीएस को बाईपास कर सकें। फायरवॉल और आईडीएस क्या होता है? फायरवॉल तो हम सबको पता है, आईडीएस मतलब इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। किसी अननोन सोर्स, अनऑथराइज्ड यूजर को अंदर आने से, यानी कि नेटवर्क के अंदर आने से रोकना, वो होता है आईडीएस का काम। ओके, तो जो पैकेट्स क्राफ्टिंग का जो टेक्निक है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फेक पैकेट भेजना, रॉन्ग पैकेट भेजना, जो कि नेटवर्क को पता नहीं रहता कि एक्चुअल पैकेट ओरिजिनल पैकेट है कि फेक पैकेट है, उस कंडीशन में क्या होता है कि अटैकर एक फेक पैकेट बना के नेटवर्क को भेजता है। नेटवर्क को लगता है ये एक अटैकर नहीं है, ये एक ओरिजिनल यूजर है, और उसको फिर अपना फायरवॉल से बाईपास करने का ऑप्शन देता है। ओके, वो फिल्टर नहीं होता है, वो सिस्टम के अंदर चल जाता है। ओके, अब वहां जाकर वो जो चाहे वो कर सकता है। तो ये होता है पैकेट क्राफ्टिंग का यूज। ओके, तो इसका काम हम लोग को फ्यूचर टॉपिक्स में आने वाला है, सिस्टम हैकिंग में, वेब सर्वर हैकिंग में, वेब एप्लीकेशन हैकिंग में, ये सारा का सारे फीचर्स को यूज करने वाले हैं। इसलिए आपको अभी इन सारे चीजों का बेसिक डिटेल्स जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया कस्टम पैकेट क्राफ्टिंग यूजिंग दीज टूल्स, कोलासॉफ्ट, नेट स्कैन और ये सारे सारे टूल्स के लिस्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जनरली हम सबको पता है कि आईपी एड्रेस अब दो टाइप के होते हैं, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। अब IPv4 किसका है, IPv6 किसका है, ये कैसे पता लगाते हैं? चलिए हम CMD ओपन करते हैं। CMD में हम सभी जानते हैं कि पिंग ऑपरेशन कैसे यूज करते हैं, पिंग google.com। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने पिंग कमांड का यूज किया, तो यहाँ पे हमको ये आउटपुट आया ऐसे। ओके, और यहाँ पे हम एक और पिंग कमांड यूज करते हैं, पिंग 1byte labs.in। तो यहाँ पे भी हमको ऐसा ही आउटपुट आया। एक और हम यूज करते हैं पिंग flipkart.com, और यहाँ पे हमको आउटपुट ऐसा आया। दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या आप देख के बता सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस जो है वो आईपी एड्रेस का है। ओके, यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने जब हमारा 1byte labs का स्कैन किया तो ये ऐसा आईपी एड्रेस आ रहा है, और जो मैंने फ्लिपकार्ट का स्कैन किया तो ऐसा आ रहा है, और गूगल का भी स्कैन किया तो ऐसा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फॉर्मेट है, इस टाइप का जो आईपी एड्रेस है, इसको कहते हैं IPv6 आईपी एड्रेस। ओके, इसको कहते हैं हम लोग IPv6 आईपी एड्रेस, और ये जो होता है इसको कहते हैं हम लोग IPv4 आईपी एड्रेस, IPv4 IPv6। जनरली अभी जो जितने भी हमारे पास फीचर्स अवेलेबल हैं नॉर्मली, जिसको हम इजिली कर सकते हैं, वो IPv4 के लिए बनाए। IPv6 के लिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फर्दर। ओके, अब बात कर लेते हैं स्कैनिंग टूल्स के बारे में। तो जनरली मार्केट में स्कैन करने के लिए सबसे फेमस एक टूल है, उसका नाम है nmap। ओके, nmap बहुत ही फेमस टूल है, जो कि विंडोज के लिए भी अवेलेबल है और काली लिनक्स के लिए अवेलेबल है। विंडोज के लिए nmap को कहा जाता है zenmap। zenmap जो है वो विंडोज के लिए बना हुआ है, और nmap जो है वो काली लिनक्स के लिए बना हुआ है, जिसको काली लिनक्स हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, अभी हम विंडोज से प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो हम विंडोज का यूज करेंगे, और विंडोज के nmap पे हम लोग ये वाला करने वाले हैं प्रैक्टिकल। दूसरा टूल है HPing 2, HPing 3, सबसे लेटेस्ट HPing 3 है, जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं। जस्ट लाइक nmap ये भी काम करता है, आईपी एड्रेस दीजिए, बस वो स्कैन कर देगा उस वेबसाइट को, उस पर्टिकुलर सर्वर को। तो चलिए, इस टूल्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया, और कुछ टूल्स के बारे में जानते हैं। नेट स्कैन टूल प्रो है हमारे पास, मैकैफे है, और अलग अलग टूल्स है। इस मॉड्यूल के थ्रू आप जाइएगा तो अलग अलग टूल्स पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ दो टूल्स का आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ, nmap और HPing। मोबाइल के लिए हम लोग के पास है आईपी स्कैनर, पिंग, हैकोड, जेंटी, सिस्प्लॉइट, फेसनेट, पोर्ट्रॉइड, ये सारे के सारे टूल्स हम लोग के पास अवेलेबल है मोबाइल के लिए।
तो चलिए हम लोग अब परफॉर्म करते हैं ये पर्टिकुलर टूल का एक्टिविटी हम लोग अपने विंडोज में। सबसे पहले nmap को ओपन कर लेते हैं, सॉरी मैंने कुछ और ओपन कर दिया। आप इस वेबसाइट पे पहले आइए nmap.org, यहाँ पे आके आपको डाउनलोड का ऑप्शन होगा। ये डाउनलोड का ऑप्शन आपका, यहाँ पे डाउनलोड पे जाइए, यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा nmap 7.91, इस पर क्लिक कीजिए, आपका सेटअप जो है डाउनलोड हो जाएगा। ऑलरेडी मेरा सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड हो चुका है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ nmap, तो ये रहा मेरे में nmap इंस्टॉल्ड ऑलरेडी, हिट एंटर, आपका nmap जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये है nmap का GUI, GUI means इसका इंटरफेस ऐसा दिखता है। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक आपका कॉलम दिया है टारगेट, यहाँ पे आप टारगेट का एड्रेस डालेंगे, चाहे वो डोमेन नेम हो या IP एड्रेस हो। प्रोफाइल हम लोग के पास मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं, इंटेंस स्कैन, इंटेंस UDP, TCP, नो पिंग, पिंग, क्विक, सबका अलग अलग काम है। हम लोग बेसिकली इंटेंस स्कैन का यूज़ करते हैं बिकॉज इसमें सारे के सारे डिटेल्स हम लोग को मिल जाते हैं। ओके, अब थर्ड वाला हम लोग का जो कॉलम है वो है कमांड का। कमांड क्यों? क्योंकि nmap जनरली बना था काली लिनक्स के लिए, तो काली लिनक्स में हम लोग को कमांड से यूज करना होता था, इसलिए यहाँ पे कमांड भी हमको दिखा देता है। ये हम बस टारगेट का IP एड्रेस डालेंगे, प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे अपने आप कमांड आ जाएगा। यानी कि अगर आप काली पे ट्राई करना चाहते हो तो इस कमांड को कॉपी कर लीजिए और वहाँ पे जाके टर्मिनल में काली लिनक्स के पेस्ट कर दीजिए और वो कमांड जो है काम करने लगेगा। ओके, नाउ अब हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं टारगेट का डाल के, तो हम किसका चेक करें। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये स्कैन करना इलीगल नहीं है। ओके, स्कैन करना बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, स्कैन आप किसी वेबसाइट पे भी कर सकते हो। ओके, बस आपको ध्यान रखना है कि आप कोई गवर्नमेंट के वेबसाइट को ना करें, आप डिफेंस के वेबसाइट को ना करें, चाहे वो कोई भी कंट्री का हो। ओके, जो वेबसाइट जनरली अवेलेबल है इंटरनेट पे वो कीजिए, फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है, छोटे मोटे बहुत वेबसाइट्स हैं। बस आप डिफेंस के वेबसाइट्स, गवर्नमेंट के वेबसाइट्स, बैंकिंग के वेबसाइट्स, इन सब वेबसाइट्स पे ये सब ट्राई नहीं कीजिएगा। ओके, आई होप सबको ये क्लियर अंडरस्टैंडेबल है। तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं कोई एक वेबसाइट certifiedhacker.com है, उसका IP एड्रेस हम पता लगाते हैं। तो ये है उसका IP एड्रेस 162.241, इसको हम स्कैन करते हैं 162.241, ये रहा IP एड्रेस, प्रोफाइल इंटेंस, ये रहा कमांड। अब इस कमांड को कॉपी करके हम लोग काली लिनक्स में भी कर सकते हैं। ओके, मैं आपको शो करूंगा कैसे करते हैं। यहाँ पे आके एंटर कीजिए, काली nmap आपका जो स्कैनिंग है वो शुरू कर देगा। आप देख पा रहे होंगे स्कैनिंग जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, nmap थोड़ा टाइम लेता है कोई भी स्कैनिंग करने में, कोई भी चीज़ जल्दी नहीं होता, उसको थोड़ा समय देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे इसके आउटपुट का, जब तक ये आउटपुट नहीं देता, आपका कोई अगर क्वेरी है तो आप लाइव चैट में पूछ सकते हैं। ऐसे ही अपना स्टार्ट करता है, ये लॉग्स को हम फिर देखेंगे लास्ट में, इस लॉग्स में हमको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगे। ओके, इसमें पता लगा सकते हैं कितने पोर्ट्स ओपन हैं, कितने पोर्ट्स क्लोज हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा सर्वर पे होस्टेड है, टॉपोलॉजी क्या है, इस होस्ट के बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं, सारे सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पता लगा सकते हैं। ओके, मैक यूजर्स के लिए देखिए, कोई भी चीज़, सबसे पहली बात, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अगर आप आ रहे हो तो आप कभी भी मैक बुक अगर यूज़ करते हो तो मैकबुक में आप कभी भी VMware यूज़ कीजिए। VMware में विंडोज रखिए और काली रखिए दोनों। ऐसे जो आपका एप्पल का जो macOS है, Macintosh, वो जनरली अलाउ नहीं करता इन सब ऑपरेशन को, इसलिए आप उसमें परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। VPN यूज करने से कोई फायदा नहीं है, आपका IP एड्रेस हाइड तो हो जाएगा, बट अगर आपने कुछ इलीगल काम किया तो आप आराम से पकड़े जा सकते हैं, बिकॉज VPN प्रोवाइडर्स आपको सेफ रखते हैं उन चीज़ों से जो आपके लिए हार्मफुल है। अगर आप किसी और को हार्म पहुंचा रहे हो तो आपको ऑलरेडी वो आपके IP एड्रेस उनके पास रहती है, तो वो आराम से आपके IP एड्रेस को रिवील कर सकते हैं और अथॉरिटीज़ को दे सकते हैं कि आपका IP एड्रेस था जिससे आप कनेक्ट हुए थे। तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है।
आइडेंटिटी हाइड करने के लिए हम लोग प्रॉक्सीज यूज कर सकते हैं, हम लोग अपने आने वाले क्लासेस में देखेंगे कैसे करते हैं वो, अभी उसका जरूरी नहीं है, ऑफ टॉपिक है वो। वीएमवेयर में आपका एरर आ रहा है तो मैंने वीडियोस शेयर किए थे, उसको जाके देखिए कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं। टॉर यूज करने का भी कोई फायदा नहीं है, टॉर हम उसी केस में यूज करते हैं जब हमको टॉर वेबसाइट यूज करना हो। टॉर ब्राउजर बना है टॉर वेबसाइट यूज करने के लिए, ना कि जनरल वेबसाइट यूज करने के लिए, कोई फायदा नहीं है टॉर यूज करने का। जो जो टूल्स अवेलेबल है इंटरनेट पे वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो जो टूल्स हम लोग के आने वाले क्लासेस के प्रैक्टिकल में हम लोग को जरूरत होंगे वो आपको मैं उस टाइम दूंगा। पहले ही आपको मैं 2200 टूल्स नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोग कुछ अपने आप में ही फंस सकते हो कुछ उल्टा सीधा काम करके, इसलिए जब जब वो टॉपिक आएंगे आपको वो टूल्स मिलते रहेंगे। अभी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये सारे टूल्स जो हैं Nmap, HPing, ये सारे के सारे अवेलेबल रहते हैं। Nmap आप डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से, ऑफिशियल वेबसाइट से। HPing जो है वो Kalinex में अवेलेबल है बाई डिफॉल्ट, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है आपको। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा स्कैनिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि क्या क्या हम लोग को यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिला है। सबसे ऊपर हम स्क्रॉल करते हैं, अगर तो यहाँ पे हम लोग को मिला पोर्ट्स ओपन, कितने सारे पोर्ट हैं, तो ये सारे के सारे पोर्ट ओपन हैं। देन हम लोग को अलग अलग पोर्ट्स पे क्या क्या सर्विसेज चल रहे हैं वो हमको मिला। देन इसका DNS होस्ट क्या क्या है वो हमको मिल पाया, ब्लू होस्ट पे ये होस्टेड है। SMTP, TCP, सारे के सारे जो अलग अलग हम लोग के पास डिटेल्स मिल रहे हैं वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और ये था ट्रेस आउट ऑपरेशन। ट्रेस आउट मतलब क्या होता है कि मेरे आईपी एड्रेस से इस सर्वर के आईपी एड्रेस तक जाने के लिए क्या क्या हमको बीच में से जितने भी लेयर्स हैं क्या क्या लेयर्स क्रॉस करने पड़ते हैं, वो ये सारे के सारे लेयर्स हैं। इतने आईपी एड्रेसेस को हम क्रॉस करते हैं सिर्फ मेरे सिस्टम से उस वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए, ये सारे के सारे लेयर्स को हम लोग को क्रॉस करना होता है, जो कि हमको बैकएंड में दिखता नहीं है बट ये है एक्चुअल में। ये आईपी एड्रेस है मेरा, ये आईपी एड्रेस है जियो का, ये भी जियो का। देन यहाँ से शुरू होता है मेन ग्लोबल इंटरनेट का, ग्लोबल, एंड देन यहाँ पे आता है उस certifiedhacker.com वेबसाइट का। ओके, तो होस्ट हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये होस्ट का आईपी एड्रेस है, ये सारे के सारे पोर्ट्स हैं, रेड मतलब क्लोज्ड, ग्रीन मतलब ओपन। उस पोर्ट पे क्या क्या सर्विसेज चल रहे हैं वो भी हम देख पा रहे हैं। टोपोलॉजी क्या क्या है वो भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये टोपोलॉजी है यहाँ का। हमारे आईपी एड्रेस लोकल होस्ट से यहाँ तक जाने के लिए ये सारे के सारे जो हैं आईपी एड्रेस को हम लोग को पार करना होता है। ओके, होस्ट डिटेल्स, सर्वर अप है, इतने पोर्ट्स ओपन हैं, इतने पोर्ट्स फिल्टर हुए हैं, इतने पोर्ट्स क्लोज्ड हैं, इतने पोर्ट्स स्कैन किए हैं, अप टाइम ये है, लास्ट टाइम बूट कब हुआ था, IPv4 एड्रेस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, एक्यूरेसी क्या है, ये सारे के सारे डिटेल्स जो है हम लोग यहाँ पे पता लगा चुके हैं। ओके, अब यही सेम कमांड को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं Kalinex पे। अब Kalinex पे कैसे करते हैं, उसके लिए पहले हम अपना VMware बूट कर लेते हैं और VMware में अपना हम Kalinex स्टार्ट करते हैं।
ओके, तो यहाँ पे हम लॉग इन कर लेते हैं। सबसे पहले ये अपना कमांड जो है यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, बैक टू VMware। यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे, टर्मिनल ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे nmap। तो हम देख पा रहे हैं nmap में हमको 7.9 वर्जन हम लोग का इंस्टॉल्ड है। अब इसको यूज़ कैसे करके बताता हूँ मैं आपको। तो मेरे सिस्टम में मैं रूट यूज़र नहीं हूँ, इसलिए मेरे को sudo कमांड का यूज़ करना पड़ता है हर जगह। ओके, sudo nmap ऐसे हम लोग कमांड लिखेंगे। हाइफन एच लिखते हैं हम लोग हेल्प कमांड्स को देखने के लिए। तो ये सारे के सारे हेल्प कमांड्स हैं। यहाँ पे हमको पता चलता है कि कितने कितने कमांड्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हाइफन SL, हाइफन एग्जीक्यूट, हाइफन IL, अलग अलग हम लोग के पास ऑप्शंस होते हैं। दोबारा क्लियर कर लेते हैं, सूडो टाइप करते हैं, उस कमांड को पेस्ट कर देते हैं जो सेलेक्ट किया था हम लोगों ने। तो हाइफन P4, हाइफन A, हाइफन B, ये कमांड है स्कैन करने के लिए। इसको करते हैं हिट एंटर। अब यहाँ पे स्कैनिंग जो शुरू हो गया, तो आप देख पा रहे हो कि सारा का सारा जो लॉग है सेम टू सेम GUI टाइप का है। ओके, आई होप सबको ये क्लियरली दिख रहा है। तो सारा का सारा जो लॉग है वो जस्ट लाइक GUI में हम लोग जो विंडोज में यूज किया हम लोगों ने वैसा ही है। तो कोई बड़ा बात नहीं है इसमें, वो कमांड को कॉपी कीजिए, आप पेस्ट कीजिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको वेट करते हैं हम लोग कंप्लीट होने के लिए। इसके बाद हम लोग करेंगे HPing 3 का। तो ऐसा यूज करते हैं हम लोग nmap का। ओके, इसका लॉग पहले हम लोग देखते हैं क्या आता है हम लोग के पास, देन हम लोग जाएंगे अपने HPing 3 में। तो ऐसे स्कैन करते हैं हम लोग नेटवर्क्स को। अब लोग बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या फायदा। वेल, पूरे हैकिंग, इथिकल हैकिंग में सिर्फ फेसबुक हैक कर लेना यही चीज़ नहीं होता है। सारा का सारा हम लोग को बिगिनिंग से शुरू करना होता है। ओके, एक प्रॉपर मैनर होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है जो फॉलो करना पड़ता है। इथिकल हैकिंग मतलब फेसबुक हैक करना, जीमेल हैक करना, गर्लफ्रेंड का पासवर्ड हैक करना, ये सब नहीं होता है। ओके, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो ये बेसिक है स्कैनिंग। इसके बाद हम लोग के पास बहुत सारे मॉड्यूल्स टॉपिक्स हम लोग के बाकी हैं। ऐसे ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया। तो ये हो गया स्कैनिंग, ऐसे स्कैन करते हैं हम लोग। तो ये कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, इसको हम क्लोज करते हैं। तो आपको कमांड समझ में आ गया होगा, ये कमांड है ऐसे यूज़ करते हैं। कमांड अगर आपको करना नहीं आता कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो भी आपको है आप IP एड्रेस डालिए, यहाँ पे आप प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे अगर इंटेल्स की जगह UDP, यहाँ पे आपका देखिए कमांड भी चेंज हो गया। यहाँ पे आप UDP की जगह यूज़ करेंगे पिंग स्कैन, तो आपका यहाँ भी कमांड चेंज हो गया। पिंग की जगह यूज़ करते हैं रेगुलर स्कैन, तो आपका यहाँ पे भी ये आपका कमांड चेंज हो गया। तो ऐसे ऐसे कमांड यहाँ पे कॉपी कीजिए, काली में पेस्ट कीजिए, परफॉर्म कीजिए, बहुत ही सिंपल है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग HPing का। तो HPing जो है बाय डिफॉल्ट काली नेक्स्ट में अवेलेबल होता है। तो HPing हाइफन एच अगर लिखते हैं हम लोग, तो ये रहा हम लोग के हेल्प कमांड्स। ये हेल्प कमांड है, इसमें से हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं HPing स्कैनिंग। तो HPing जस्ट लाइक विंडोज सॉरी nmap है, दोनों में उतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम देखते हैं कि HPing कैसे यूज करते हैं। पहले उसका कमांड देख लेते हैं। तो ये कमांड है, तो अलग अलग वेबसाइट्स अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे काम करता है। कोई कोई वेबसाइट्स ICMP प्रोटोकॉल पे काम करता है, कोई कोई वेबसाइट UDP प्रोटोकॉल पे काम करता है, कोई कोई अलग अलग बेस्ड पे प्रोटोकॉल्स पे काम करता है। तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स के लिए अलग अलग हम लोग के पास कमांड है। सबसे पहला परफॉर्म करते हैं हम HPing 3 कमांड ICMP के लिए, और उससे हमको चल जाएगा पता कि वेदर वो सर्वर ICMP यूज़ करता है कि नहीं करता। तो IP एड्रेस हम सेम रखेंगे, वही जो IP एड्रेस था, वो IP एड्रेस क्या था, तो ये IP एड्रेस था, इसको हम ऐसे रहने देते हैं। यहाँ लिखते हैं हम sudo HPing 3 -1 -1 मतलब ICMP, हिट एंटर। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ICMP रिक्वेस्ट भेजना ही शुरू कर दिया, और यहाँ पे हम लोग को सक्सेसफुल रिस्पांस भी मिल रहा है। कैसे पता लगाया हम लोगों को सक्सेसफुल रिस्पांस मिल रहा है? बिकॉज ये आपका जो कमांड है वो बढ़ते जा रहा है, यानी कि वो रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं अपने लैपटॉप से और हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है।
इसको मैंने क्लोज किया तो 16 पैकेट्स हम लोगों ने भेजा, 16 पैकेट्स हम लोगों को रिसीव भी हुआ, 0% लॉस हुआ, यानी कि वो सर्वर जो है ICMP यूज़ कर रहा है। तो पहला स्टेप हम लोग का सक्सेसफुल रहा ICMP रिक्वेस्ट पता करते हुए, यानी कि अगर हम फ्यूचर में कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं इस वेबसाइट पे, हैकिंग एक्टिविटी जो कि ICMP पे बेस्ड हो। अब ICMP पे क्या क्या बेस्ड है वो आपको मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा पूरा, तो आप पता लगा पाएंगे कि ICMP पे क्या क्या सर्विसेज होते हैं। ओके, तो वैसे ही PCP पे भी कर सकते हैं, UDP पे भी कर सकते हैं। तो ICMP हम लोगों ने परफॉर्म कर लिया, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सिस्टम स्कैन ऑन पोर्ट नंबर 50 और 60, पोर्ट नंबर 50 और 60 पे एक स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं हम लोग। HPing 3-8 ये हुआ -8 50-60-S ओके तो यहाँ हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया और ये स्कैन हो गया। तो पोर्ट नंबर 50 से 60 तक कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ पोर्ट नंबर 53 है यहाँ पे ओपन है, आप देख पा रहे हैं। अच्छा मैं क्लियर करता हूँ इसको, देन शुरू से करता हूँ। कमांड, ये कमांड है, -S कैपिटल होगा, -B कैपिटल होगा, हिट करते हैं एंटर। तो मैंने 50 से 60 पोर्ट नंबर, यानी कि बीच में 10 पोर्ट आए, उसको स्कैन किया मैंने, और मैं क्या देख रहा हूँ कि सिर्फ पोर्ट नंबर 53 ओपन है और कोई पोर्ट ओपन नहीं है बीच में। कोई नहीं, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं पोर्ट नंबर 100 तक, क्या पता मिल जाए कुछ। तो इसमें भी पोर्ट नंबर 53 मिला, पोर्ट नंबर 80 मिला, बाकी सारे बंद हैं। ओके, कुछ और ट्राई कर लेते हैं, पोर्ट नंबर 190 तक करके देखते हैं, कुछ कुछ ओपन मिला। ओके, 53 ओपन है, 80 ओपन है, 110 ओपन है, ओके बहुत सारे ओपन है यहाँ पे, 110 ओपन है, 143 ओपन है, ऐसे ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स ओपन है, और बाकी जो क्लोज हैं वो हमको मिल गए यहाँ पे। तो हर एक पोर्ट में क्या क्या सर्विसेज चल रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। 53 में डोमेन नेम, 80 में HTTP, 110 पे POP3, 143 पे IMAP2, गोफर, PortPC, फिंगर, ऑथ, NNTP, NTP, MailQ, SNMP, तो ये अलग अलग सर्विसेज अलग अलग पोर्ट्स पे रन कर रहे हैं। आई होप सबको ये पार्ट क्लियर है HPing 3 का। चैट में प्लीज कंफर्म कीजिए HPing 3 में किसी कोई डाउट, जो कमांड्स मैंने एक्सप्लेन किए इसमें कोई डाउट। अब बात आती है सपोज कि सपोज आप किसी वेबसाइट के ओनर हैं, ओके आप किसी वेबसाइट के ओनर हैं, आप पता लगाना चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पे कैसे कैसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं HTTP से। जैसा कि हम जानते हैं HTTP और HTTPS, ये दो अलग अलग तरीके होते हैं वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए। एक HTTP पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग और एक HTTPS पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ओके, HTTPS सिक्योर होता है, HTTP उतना सिक्योर नहीं होता है। तो हम लोग के पास एक ऐसा कमांड है HPing का, इसके हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारे वेबसाइट पे कौन कौन से ट्रैफिक जो है HTTP पे आ रहे हैं, उन सारे ट्रैफिक्स को हम लोग इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो उसका कमांड क्या है, HPing 3-9 HTTP, बताओ क्या कमांड है, sudo HPing 3-9 HTTP-I ET
ETH0। ETH0 क्या है? ये मेरे एडेप्टर का नाम है। एडेप्टर का नाम कैसे पता लगाते हैं? sudo if config ये टाइप कीजिए अपने टर्मिनल में और आप पता लगा सकते हैं आपके अडेप्टर का नाम। तो मेरा अडेप्टर का नाम ये है ETH0, ये मेरा अडेप्टर है। आपका कुछ और भी हो सकता है, उसके हिसाब से आप अपना पता लगाइए और यहाँ पे डालिए। अब जब हिट करेंगे तब यहाँ पे हम लोग का वो जो कमांड है वो स्टार्ट हो चुका है। HPing3 हमारे सर्वर पे अब लिसनिंग कर रहा है। कोई भी हम लोग का सर्वर यूज़ करता है HTTP पोर्ट से, HTTP से, तो वो वहाँ पे हमको पता लग जाएगा कि ये यूज़र है, ये IP एड्रेस से ये कनेक्शन आ रहा है, तो HTTP यूज़ करने का कोशिश कर रहा है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे कमांड्स हैं HPing में जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो आपको एक बार इस मॉड्यूल से जानना बहुत ज़रूरी है, खुद से एक बार पूरा पढ़िए इसको, देन आप इसमें एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड मैं HPing3 देन ये कमांड है, इस कमांड को आप लोग यूज कर सकते हैं सिस्टम को फ्लड करने के लिए। फ्लड मतलब क्या होता है? सर्वर, कोई भी सर्वर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ट्रैफिक एक्सेप्ट कर सकता है, उतना ही उसका कैपेसिटी होता है। अगर एक सर्वर 1000 ट्रैफिक एक्सेप्ट कर सकता है एक सेकंड में, तो 1000 ही वो कर पाएगा। उससे ज़्यादा करेंगे तो वो स्लो हो जाएगा, काम नहीं करेगा। अगर आपके लैपटॉप में 2 GB रैम है और आप उसमें एंड्रॉयड स्टूडियो, काली लिनक्स, विंडोज़, VMware सब चला दोगे तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा, वो तो हैंग हो जाएगा, पूरा सिस्टम आपका हीट हो जाएगा। वैसे ही हर एक सर्वर का अपना अपना कैपेसिटी होता है। अगर उस पर 1000 ट्रैफिक एक्सेप्ट करने का कैपेसिटी है, आप उस पर 100,000 भेजोगे तो क्या होगा? सर्वर क्रैश कर जाएगा, यही होगा, या तो सर्वर स्लो हो जाएगा। अगर 1 करोड़ भेज दोगे ट्रैफिक तो इसलिए क्रैश हो जाएगा। तो वो कैसे करते हैं HPing से? तो उसका भी हम लोग के पास कमांड HPing3-S IP address डाल के उसको -flood का कमांड यूज़ करके आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सिस्टम से ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक लैपटॉप से ये करना पॉसिबल नहीं है। सर्वर्स बहुत ही एडवांस लेवल के होते हैं। ओके, वो लोग फ्लडिंग को, DDoS अटैक को आराम से फिल्टर कर सकते हैं। तो करना है तो 1000 सिस्टम 2000 सिस्टम को एक साथ कीजिए, एक साथ कमांड को आप एग्जीक्यूट कीजिए, तब तो ऑब्वियसली सर्वर डाउन होगा ही होगा। आप भले ही 10-20 सिस्टम यूज़ करके अपने कॉलेज, स्कूल या तो उन नेटवर्क्स को परफॉर्म कर सकते हो वहाँ पे, बिकॉज उनका थोड़ा कैपेसिटी लो होता है, बट सिर्फ परमिशन गेन करने के बाद, विदाउट परमिशन कुछ भी नहीं करना है। ओके, परमिशन होगा तब आप प्रैक्टिकल कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। सो HPing में किसी को कन्फ्यूजन, चैट में को कन्फर्म कीजिए। HPing3 में किसी को कन्फ्यूजन? तो हम लोग के स्कैनिंग में यही 2 टूल्स हैं जो हम लोग nmap और HPing3 यूज़ करते हैं। ओके, तो ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे यूज़ किया जाता है। पोर्ट अगर क्लोज हुआ तो उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। पोर्ट का मतलब सबको पता होगा कि पोर्ट मतलब क्या होता है। एक तरह से आपका डोर हो गया, वो किसी भी सर्विस को एक्सेस करने के लिए एक डोरवे होता है। आप अपने घर में कैसे आओगे अगर दरवाज़ा ही बंद हुआ आपका? तो दरवाज़ा खुला होना चाहिए ना आपके घर में एंटर करने के लिए, वैसा ही एक पोर्ट होता है। वो पोर्ट एक दरवाज़ा होता है सर्वर का, उस सर्वर में एंटर करने के लिए दरवाज़ा खुला होना चाहिए। दरवाज़ा अगर वो बंद है तो आप कुछ नहीं कर सकते उस सर्वर में। हर एक पोर्ट का अलग अलग फीचर होता है, अलग अलग यूज़ होता है। पोर्ट नंबर 21 FTP के लिए, पोर्ट नंबर 53 अलग अलग सर्विसेज के लिए, तो वो आपको जानना ज़रूरी है। मॉड्यूल के थ्रू जाइए, अलग अलग पोर्ट्स के यूजेज आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। अलग अलग पोर्ट्स का मैं आपको बताता हूँ क्या क्या यूज होता है। तो स्कैनिंग टेक्निक्स में बेसिकली 3 टेक्निक होता है, ICMP, TCP, UDP, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ICMP, TCP, UDP के बारे में। तो ये बेसिकली 3 टेक्निक्स होते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो कोई कोई ICMP भी बेस्ड होते हैं, कोई कोई TCP भी बेस्ड होते हैं, कोई कोई UDP भी बेस्ड होते हैं। जिस हिसाब से वो वेबसाइट का प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से हम लोग को स्कैनिंग परफॉर्म करना है। तो ये है आपके पोर्ट्स का लिस्ट। ये पोर्ट्स के लिस्ट को आप अच्छे से एक बार इस मॉड्यूल के थ्रू जाइएगा, ठीक है? मॉड्यूल नंबर 3 है ये, पेज नंबर 27। इस मॉड्यूल के थ्रू जाइएगा, इसमें आपके पोर्ट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, कौन से पोर्ट्स का क्या क्या काम है, क्या क्या डिस्क्रिप्शन है। विदाउट पोर्ट्स के डिटेल्स के आप लोग आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्कैनिंग कर रहे हो, आपको पोर्ट का डिटेल्स मिल गया, आपको पता ही नहीं है कि उस पोर्ट का क्या सर्विस है, तो क्या फ़ायदा उसको स्कैन करने का? तो पोर्ट्स के बारे में डिटेल्स जानना बहुत ही ज़रूरी है।
मॉड्यूल नंबर 3 में पेज नंबर 27 आप एक्सेस कीजिएगा, आप वहां पर देख सकते हैं। अगर आप कोई वेबसाइट को स्कैन करते हैं तो आप कुछ इलीगल काम नहीं कर रहे ना, अगर आप कोई वेबसाइट को स्कैन करते हो तो कोई उसमें गलत बात नहीं है, कुछ इलीगल नहीं है उसमें, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप उसको स्कैन करके उसको कुछ गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो तब तो आपको इशू होगा ही होगा, अलग अलग लीगल चार्जेस फेस करने पड़ेंगे आपको। तो बात ऐसा है, इंटरनेट, अगर इंटरनेट का एग्जाम्पल लेते हैं तो इंटरनेट से आप लोग अच्छे काम भी कर सकते हैं, बुरे काम भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे। अगर आप कोई बुरे काम करोगे तो डेफिनेटली आपको मैं लिख के देता हूँ आप कभी ना कभी पकड़े जाओगे। कोई भी अगर आप फ्रॉड करते हो तो डेफिनेटली कभी ना कभी आप पकड़े जाओगे जाओगे, ओके? तो कोई भी ऐसे स्कैनिंग एक्टिविटीज, हैकिंग एक्टिविटीज किसी भी वेबसाइट पे ना करें तो बेटर रहेगा। जहाँ परमिशन है आपको वहीं करो, वो आपके लिए फिजिबल रहेगा, एक्सपीरियंस भी होगा आपको, नॉलेज भी गेन होगा आपको, और आप क्लीन भी रहोगे। क्लीन मतलब कोई आपके ऊपर कोई ऐसा फ्रॉड का केस भी नहीं होगा कि हाँ कि आपने ऐसे ऐसे काम किए। आई होप सबको क्लियर होगा ये। तो ये था स्कैनिंग, कि ऐसे हम लोग स्कैनिंग करते हैं, ओके? तो यहाँ था किसी कोई डाउट कि स्कैनिंग हम लोग कैसे करते हैं, चैट में कन्फर्म कीजिएगा। तो स्कैनिंग बस इतना ही है, बाकी सारे पेजेस पे कोई ऐसा खास नहीं है, सारे के सारे यही स्कैनिंग है। कोई भी वेबसाइट कहीं भी होस्ट हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसको हम स्कैन कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट को स्कैन करने से मना नहीं होता है, स्कैन कोई भी वेबसाइट हो सकता है, बट वो आपके ऊपर है कि आप गलत जगह यूज़ करते हो कि सही जगह यूज़ करते हो। जैसे कि मैंने आपको सजेस्ट किया, गवर्नमेंट वेबसाइट को स्कैन ना करें, डिफेंस वेबसाइट को स्कैन ना करें, चाहे वो कोई भी कंट्री का हो, बिकॉज वो रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है। अगर आप करते हो उस समय तो आपका कुछ नहीं होगा, बट अगर पता चलता है तो आपको इश्यू हो सकता है। आइडेंटिफाई कैसे करना है कि फ्लडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप ब्राउज करके देखिए वेबसाइट को कि वो स्लो हुआ कि नहीं हुआ। कोई वेबसाइट को पहले यूज कीजिए, वो खुलेगा, फ्लडिंग एक्टिविटी कीजिए, अगर वो नहीं खुल रहा तो फ्लडिंग हो रहा है। किसी पोर्ट को स्कैन करने से कैसे रोकें? एक बहुत ही सही सवाल यहाँ पे आया है कि किसी भी पोर्ट को आप स्कैन होने से कैसे रोकेंगे। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर आप कोई पोर्ट ओपन रख रहे हो, यानी कि उस पोर्ट से यूजर्स को कोई ना कोई काम होता है। सपोज पोर्ट नंबर 80, हर एक वेबसाइट का पोर्ट नंबर 80 डिफॉल्ट पोर्ट होता है। अगर वो पोर्ट बंद हुआ तो वेबसाइट को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि पोर्ट नंबर 80 डिफॉल्ट पोर्ट होता है। तो वो पोर्ट ओपन रखना ही पड़ेगा आपको, लोग उसमें स्कैन कर ही पाएंगे, उससे आप किसी को नहीं रोक सकते। हाँ, रोक सकते हैं तो किसको रोक सकते हैं? ऐसे ऐसे पोर्ट्स जिसका कुछ काम ही नहीं है उसको आप बंद कर दीजिए। 6000 पोर्ट्स होते हैं, 6000 पोर्ट्स का तो कोई काम नहीं होता, मुश्किल से गिने चुने पोर्ट्स का काम होता है। जिनका काम नहीं है उसको आप बंद कर दो, सिंपल। किसी भी सिस्टम का आईपी एड्रेस कैसे पता लगाया जाए? पिंग कमांड का यूज कीजिए, आप पिंग कमांड यूज करके आप पता लगा सकते हैं आईपी एड्रेस। लास्ट का टॉपिक था हम लोग का पेन टेस्टिंग, जो भी हम लोगों ने अभी तक जाना, समझा, सीखा, उसको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके उस नेटवर्क एडमिन को सौंपना, वो आता है आपके पेन टेस्टिंग के अंदर, ओके? किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इस टॉपिक में किसी कोई डाउट है तो। एनीवन, आप किसी का वी आई पी एड्रेस पता लगा सकते हैं, आपको उसका DNS जानना बहुत ज़रूरी है पहले तो, चाहे वो उसका डोमेन नेम हो, चाहे वो उसका IP एड्रेस, तो पता लगाना है आपको, तो आप उसका डोमेन नेम डालिए, पिंग कमांड का यूज़ कीजिए। फ्लडिंग करना ऑब्वियसली इलीगल है,
किसी वेबसाइट पे आप फ्लडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो इलीगल ही हुआ, ऑब्वियसली वो इलीगल है। ओपन पोर्ट्स क्लोज करना वो फायरवॉल का ऑपरेशन होता है, वो हम देखेंगे सिस्टम हैकिंग में कैसे फायरवॉल के पोर्ट्स बंद करते हैं ओपन करते हैं। रिकॉर्डिंग जितने भी पेंडिंग है वह शाम तक अपलोड हो जाएंगी। क्लाउड फिर से राउटेड है तो ऑब्वियसली वो डीडोस अटैक नहीं हो सकता उस पर। सो आज के लिए इतना ही। आई होप सबको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, स्कैनिंग क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एन्यूमरेशन, एन्यूमरेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, जो कि कल हम करने वाले हैं। बिकॉज हम लोग का सैटरडे का सेशन जो है मिस हो गया था, तो वो लोग हम लोग मंडे को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपका पहले क्लास मिस हो गया तो डोंट वरी, वो आपका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आज शाम तक सारे के सारे रिकॉर्डिंग जितने पेंडिंग है वो अपलोड हो जाएंगे, आपको ग्रुप में अपडेट किया जाएगा। कल का टाइम आपका रहेगा 8:30 का, कल का सेशन का टाइमिंग रहेगा 8:30 इवनिंग। टूल्स की लिंक अभी शेयर नहीं किए जाएंगे, बिकॉज जितने भी टूल्स अभी डाउनलोड करने लायक हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, वही शेयर किए जाएंगे। आपको जो भी टूल्स फ्यूचर क्लासेस में यूज़ होने वाले हैं, जो कि एडवांस टूल्स हैं, जैसे जैसे हम लोग क्लासेस करेंगे वैसे वैसे वो टूल्स आपको शेयर किए जाएंगे। किसी पर्टिकुलर पर्सन के आईपी एड्रेस के लिए आपको उससे पूछना होगा, या तो उसको आपको आपको उसके सिस्टम का एक्सेस चाहिए होगा, आप ऐसे पता नहीं लगा सकते, या तो आपको स्कैनिंग वगैरह करना होगा, जो कि हम लोग कवर करेंगे अपने फ्यूचर मॉड्यूल में। जो पोर्ट ओपन है उसको ऑब्वियसली कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे लिमिटेशन नहीं है कि इसको हैक कर सकते हैं उसको नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होता है। मोबाइल का आईपी, लैपटॉप का आईपी कोई अलग नहीं होता, दोनों सेम आईपी एड्रेसेस है, तो मोबाइल के लिए कुछ अलग केस नहीं है, सब एक ही जैसा होता है। हम लोग जब अपने फ्यूचर क्लासेस में मूव करेंगे, जहाँ पे हम लोग का वायरलेस नेटवर्क जो टॉपिक है मॉड्यूल, वायरलेस नेटवर्क में हम लोग स्कैन कर सकते हैं कि हम लोग के नेटवर्क पे कितने कितने आईपी एड्रेसेस हैं, कितने कितने सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, देन हम उन लोग का आईपी एड्रेस जो है स्कैन कर सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कैसे स्कैन किया जाता है दूसरों का आईपी एड्रेस और कैसे पता लगा सकते हैं। आपके राउटर से जो डिवाइस कनेक्टेड हैं ऑब्वियसली आप तो आराम से उसको हैक कर सकते हैं, आपके नेटवर्क में जो लोग कनेक्टेड हैं आप तो कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ।
ओके एवरीवन, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास. आज के क्लास के लिए बस इतना ही. रिकॉर्डिंग जो भी पेंडिंग है वो आज शाम तक अपलोड हो जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. ओके, सो आप क्लास को आप लीव कर सकते हैं. थैंक यू फॉर पेशेंस. आई होप सबको आज का टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा. बहुत से लोग आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि टॉपिक से बाहर का चीज़ है. वो अभी हम आज डिस्कस नहीं करने वाले हैं. वो जब वो टॉपिक आएगा, जब वो मॉड्यूल आएगा, तब हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, और अगर असाइनमेंट का बात किया जाए तो एक असाइनमेंट मैं आपको देना चाहता हूँ जो कि आपको कंप्लीट करना है. वो असाइनमेंट ये है कि एनमैप, जैसे मैंने आपको दिखाया कि एनमैप कैसे करते हैं, एनमैप से आपको स्कैन करना है और किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को स्कैन कीजिए आप एनमैप से, और उसका जो भी लॉग है उसको कॉपी करके एक टेक्स्ट फाइल में सेव कीजिए और उसको admin@onemap.lab पे भेजिए उसको .in पे. ओके, ये आपका टास्क रहेगा. वेबसाइट को स्कैन कीजिए, उसके जो लॉग्स हैं उसको टेक्स्ट फाइल में सेव कीजिए और उसको admin@onemap.lab से भेजिए. आपके फ्यूचर सर्टिफिकेट्स के लिए वो इम्पोर्टेंट रहेगा, मार्किंग सिस्टम मार्किंग के लिए. admin@onemap.lab.in. admin@onebytelabs.in. ये ईमेल एड्रेस है. ओके, इसको आप नोट कर लीजिए. इस पर आपको अपना वो भेजना है. एनमैप से स्कैन कीजिए, उसके लॉग्स को कॉपी कीजिए, टेक्स्ट फाइल में बनाइए. जो टेक्स्ट फाइल आप देख पा रहे होंगे, टेक्स्ट फाइल में बनाइए और उसको मेल कीजिए इस ईमेल एड्रेस पे. ओके, अपने नाम के साथ, आप किस बैच में हैं उसके साथ. ओके, सो आई होप सबको क्लियर है आज का टॉपिक. अब क्लास को आप लीव कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही. अब मिलते हैं हम अगले क्लास में जो कि है मंडे को 8:30 शाम में. थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंस. हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड. बाय बाय.